हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कसोल के 5 दिन के आइटिनरी के बारे में, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कसोल का 5 दिन का टूर प्लान क्या हो सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको बजट भी बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है 5 दिन में, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कसोल कैसे पहुंच सकते हो, और साथ ही साथ आपका कसोल में आप कहां रुक सकते हो, क्या खा सकते हो। तो अगर आप कसोल में आने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो भाई, आपको बता दूं कि कसोल जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो पार्वती वैली है वहाँ पर बसा हुआ है। तो ये कसोल हिल स्टेशन नहीं है, ये पार्वती वैली के इधर बसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लेस है, मतलब बोल सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत गांव है कसोल। तो कसोल में 2 बार जा चुका हूँ। पिछली बार में जब मैं गया था तब मैं सोलो गया था, तो एक मेरा अलग एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट टाइम था ऑफकोर्स, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने लिया, काफ़ी मज़ा आया मुझे। फिर जो सेकेंड टाइम है, रिसेंटली मैं अभी गया था, अगर आपने मेरा मनाली और कसोल का जो सीरीज देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस बार मैं दोस्तों के साथ गया था, तो एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो दोनों एक्सपीरियंस मेरे काफ़ी अच्छे थे। कसोल पहुंचने के लिए मैं आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट जो कंसिडर करता हूँ, दिल्ली कंसिडर करता हूँ, क्योंकि दिल्ली से कसोल जाते हैं। तो अभी मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ मुंबई में, आप शायद हैदराबाद में रहते हो या कोलकाता में रहते हो या फिर मेघालय में रहते हो, मतलब कि आप इंडिया के किसी और जगह पे भी रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो आपको सबसे पहले दिल्ली आना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से आपको कसोल के लिए ओलो बसेस मिलती है, जो कि शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको मिल जाएगी, और ये रोज़ आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि संडे मंडे मिलती है, बस रोज़ एवरी डे मिलती है, और एसी नॉन एसी बसेस दोनों मिलती है, ठीक है। तो आपका दिल्ली टू कसोल, आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना है, फिर आपको दिल्ली से ओलो बसेस बुक करके कसोल आना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपका कसोल में कहाँ रुक सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप ग्रुप में आए हो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको बहुत सारे वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएंगे, जैसे कि मैं जहाँ पे रुका था वो नोमाड हॉस्टल था, तो वहाँ पे मुझे पर डे 350 रुपीज़ लिया था, या तो अभी 400 रुपया, नॉर्मली यही रेट रहता है। तो अगर आप सोलो हो तो मैं आपको हॉस्टल रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है तो आप गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हो, तो आपको 600 से 700 रुपये में अच्छे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छा सा होटल ले लो, जैसे कि इस बार मैं ग्रुप में गया था तो मैं सनराइज़ होटल करके है कसोल मार्केट के नज़दीक में, काफ़ी बस स्टॉप के, तो वहाँ पे मैं रुका था। तो आपकी चॉइस है, या तो आप सोलो हो तो हॉस्टल में रहो या गेस्ट हाउस में रहो। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि कसोल आप मोस्टली सुबह पहुँचोगे, क्योंकि आप रात को बस पकड़ोगे तो सुबह 8, 9 या 10 बजे तक पहुँच जाओगे, या 12 बजे तक आप पहुँच ही जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो प्लेस विजिट करनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो आपको मणिकरण गुरुद्वारा जाना चाहिए। काफ़ी मतलब फेमस प्लेस है, कसोल से ज़्यादा फेमस तो मणिकरण है। तो मणिकरण गुरुद्वारा आप जाइए, वहाँ पे लंगर चलता है, वहाँ पे आप खाना खाइए, काफ़ी टेस्टी खाना आपको मिल जाएगा। साथ में वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे बगल में ही शंकर भगवान जी का मंदिर है, जो काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मशहूर है मंदिर हो, तो वो मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो। और मंदिर के यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग में चावल को पोटली में बांध के अंदर डूबो के चावल कैसे उबलता है, वो भी आप देख पाओगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप कसोल मार्केट आ सकते हो, कसोल मार्केट आप पूरा घूम सकते हो, वैसे तो छोटा ही है और तो भी आप घूम सकते हो। तो आप आधे घंटे में आए तो आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे वन कसोल में, कसोल पार्क है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर आप कपल हो तो आप पार्क में जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी शांत सी और काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी पार्क है, और उसका एंट्री टिकट कुछ 30 रुपीज़ है। उसके बाद आपको जाना है चलाल, तो आप जब कसोल से चलाल जाओगे ना, आपको एक खूबसूरत सा ब्रिज आएगा, तो वो ब्रिज मतलब काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है, जो भी लोग आते हैं उस ब्रिज पे रुक के फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, हमने भी लिया था, काफ़ी मज़ा आया था। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप नीचे उतरिए और वहाँ पे पार्वती रिवर के साइड में बैठ के आप थोड़ा पार्वती रिवर का व्यू देख सकते हो, पार्वती वैली का व्यू देख सकते हो, और आपको पार्वती रिवर का पानी कितना ठंडा है वो भी आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए चलाल, तो चलाल जाने के लिए आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट का ट्रेक करना पड़ेगा, और वो ट्रेक भी काफ़ी सिंपल है, कोई भी चढ़ाई नहीं है, सिर्फ रिवर के साइड साइड से जाना है। तो ये चलाल में आप रुकिए, शाम को वहाँ पे क्या बोलते हैं, नदी पार्वती रिवर के किनारे बैठिए, चाय पीजिए, रिलैक्स हो जाइए, इस तरीके से आपका डे वन निकल जाएगा। डे टू में आपको जाना चाहिए तोश विलेज, तो तोश विलेज लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कसोल से।
तो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ टूर प्लान पे फोकस करते हैं। तो जो है ना वो सबसे आखिरी गांव है पार्वती वैली में, और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बसा हुआ गांव भी तोश है। तो तोश विलेज में आप क्या कीजिए, मतलब जितना हो सकता है उतना हाइट पे आप रूम या होटल बुक कीजिए। वहां से आपको सामने का स्नो व्यू माउंटेन देखने को मिलेगा ना हिमालयन, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट व्यू देखने को मिला था ना हिमालयन माउंटेन का, वो तोश गांव से देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है तोश, तो तोश वाटरफॉल विजिट कीजिए। वहाँ से थोड़ा ऊपर ग्लेशियर पॉइंट भी है, अगर आपको ट्रैक करना है तो ग्लेशियर पॉइंट भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कसोल के डे 3 और डे 4 की। मैं डे 3 और डे 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्लेस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको 2 दिन देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये प्लेस कसोल की सबसे बेस्ट प्लेस है जो कि है खीर गंगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खीर गंगा ट्रैक करने के लिए कसोल गया था, इसलिए मैंने खीर गंगा ट्रैक नहीं किया था, मुझे खीर गंगा ट्रैक करना था इसलिए मैं कसोल गया था। तो खीर गंगा ट्रैक सबसे मतलब बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, मुझे बहुत ही मज़ा आया है, और मैं दोनों बार जा चुका हूँ खीर गंगा, बहुत ही अच्छी प्लेस है वो। तो उसके लिए आपको 2 दिन देना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरे दिन तोश में रुके हो तो आपको क्या करना है, आपको सुबह जितना सकता उतना जल्दी उठिए आप और नीचे आ जाइए बरसेनी विलेज। बरसेनी विलेज मतलब तोश से कुछ 3 किलोमीटर नीचे साइड है, तो वहीं से इसका ट्रैक चालू होता है। तो बरसेनी विलेज से आपको 12 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वन डे में पॉसिबल नहीं है, और वन डे में अगर आप करोगे तो आपको फटाफट करना पड़ेगा, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, पूरे थक जाओगे आप। तो 2 दिन आप दीजिए, तो 12 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जाइए, ऊपर स्टे कीजिए, ऊपर आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा। इस ट्रैक को आप विंटर छोड़ के बाकी सब मौसम में कर सकते हो। इस सिंपल ट्रैक है, जिसने कभी ट्रैक किया भी नहीं है अपने लाइफ में, मतलब माउंटेन रेंज में, हिमालयन माउंटेन रेंज में, उसको ईजिली कर सकता है। सुबह ट्रैक चालू कीजिए, 6-7 घंटे बाद आप पहुँच जाएंगे ऊपर, ऊपर जाइए, रिलैक्स होकर स्टे कीजिए, और आपको वहाँ पे कोई भी अच्छा सा कैंप बुक कर लीजिए, तो वहाँ पे रुकिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना, रात का डिनर मिल जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो खीर गंगा की जो सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी कि पार्वती कुंड। तो आ तो आप शाम को भी जाके नहा सकते हो, या तो आप सुबह सुबह जब उठोगे ना ठंडी में 6-7 बजे, तब आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाओ, तो आपको जो मज़ा आएगा ना, बेस्ट फीलिंग होगी आपका, मतलब आपका बाहर निकलने का मन ही नहीं करे। और हॉट वाटर स्प्रिंग के ऊपर शंकर भगवान जी का मंदिर है, तो वो मंदिर भी आप जरूर विजिट कीजिए। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ 2 प्लेसेस के बारे में, तो आप जिस तरह के इंसान है, जिस तरह का आपको मतलब चाहिए इन्जॉयमेंट, तो आप उस तरह का इन्जॉयमेंट ले सकते हो। पहला जो प्लेस है वो है बिजली महादेव, तो शंकर भगवान जी का मंदिर है ऊपर, और वहाँ पे हर 12 साल में बिजली गिरती है, और वहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखता है। ऑप्शन है वो है मलाना, या तो आप मलाना विलेज जा सकते हो, तो मलाना काफ़ी पुराना विलेज है यहाँ पे, और मतलब वहाँ का जो अभी रूल्स रेगुलेशन है जो पुराने ज़माने के हुआ करते, तो अभी वो रूल्स वैसे ही वहाँ पे, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे किसी को छूने का नहीं, कोई फोटो बिटो अलाउड नहीं है, या फिर वहाँ पे किसी लड़की को छू दिया तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। और लेकिन वहाँ पे आपको मलाना क्रीम मिलेगी, मतलब जो कब से जिसके लिए लोग कसोल आते हैं, मलाना क्रीम मतलब प्योर आपको मिलेगा। तो अगर आपको क्रीम व्रीम खाना है, आपको उस टाइप के, अगर आप इंसान हो, ये आपको नशा विशा करना है, तो आप वो करने के लिए मलाना जा सकते हो, या तो अगर आपको अच्छा सा ट्रैक करना है, खूबसूरत व्यू देखना है, तो उसके लिए आप बिजली महादेव जा सकते हो। आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, यानी कि आप कैसे घूम सकते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रुप में हो या फैमिली के साथ हो, तो आप कार से भी घूम सकते हो, कार बुक कर लो, वो कार वाला आपको यहाँ से वहाँ सब जगह घुमा देगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपके लिए कार ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप एक हो, सोलो हो या फिर 2 लोग हो, तो मेरे हिसाब से आपको बस ही यूज़ करना चाहिए। बस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, और आपको सब जगह जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, चाहे आपको तोश, कसोल, खीर गंगा कहीं भी जाना हो, आपको सब जगह बस मिल जाएगी। खाली बिजली महादेव के लिए आपको थोड़ा कुछ प्राइवेट गाड़ी बुक करना पड़ेगा, बाकी सब जगह पर बस चलती है। तो मेरे हिसाब से बस इज़ अ बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस अराउंड कसोल। कसोल आप ऑल ईयर अराउंड पूरे साल में कभी भी विजिट कर सकते हो। कसोल काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी चिल और कूल रहता है। अगर आप विंटर में आओगे, यानी कि जो पीक विंटर में दिसंबर या जनवरी में ना, तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो दिसंबर जनवरी में आइए, अगर आपको स्नोफॉल नहीं देखना है तो, अगर आपको
नॉर्मली वेदर चाहिए तो आप गर्मी में आइए, गर्मी में आप यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी कूल टेम्परेचर रहता है। तो गर्मी की छुट्टियों के लिए अगर आपको कोई जगह चाहिए तो कसोल बेस्ट है। और मोस्टली की ये जगह जो है ना वो जितने भी यंगस्टर लोग हैं उनमें काफ़ी फेमस है, तो काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे पार्टीज होती रहती है, काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे माल मिल मिलता है आपको खाने के लिए फूकने के लिए, तो काफ़ी फेमस जगह है कसोल उसके लिए। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये सोलो ट्रैवलर के लिए मतलब कि सेफ प्लेस है क्या कसोल, तो मैं आपको बता दूँ यस, सोलो ट्रैवलर के लिए काफ़ी सेफ प्लेस है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि मैंने खुद में लास्ट ईयर सोलो गया था तो मुझे किसी भी तरह की परेशानी या डर ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। काफ़ी अच्छी प्लेस है, अगर आप सोलो हो और आप एकदम सेफ प्लेस ढूंढ रहे हो तो ये कसोल आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है। तो अब बात कर लेते हैं कि कसोल में आपका 5 दिन का बजट क्या हो सकता है, कितना खर्चा आपका आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली कंसिडर करूँगा, दिल्ली टू दिल्ली, तो मैं आपको दिल्ली टू दिल्ली का बजट बताऊँगा। तो दिल्ली टू कसोल आने के लिए जो आपको ओलो बसेज मिलेगी वो 800 से 1000 रुपये में आपको AC बसेज मिल जाएगी, तो मैं 800 रुपये कंसिडर करता हूँ। और सेम आपको कसोल से दिल्ली जाना रहेगा तो 800 रुपये में, यानी कि 1600 रुपये में आप दिल्ली टू कसोल, कसोल से दिल्ली आपका हो जाएगा, ठीक है, ये 1600 हो गया। उसके बाद आप कसोल में 5 दिन रुकोगे, चाहे आप खीरगंगा के टॉप पे भी रुकोगे उसको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तो पर पर्सन में 500 रुपया पकड़ लेता हूँ एक इंसान का। अगर आप हॉस्टल में रुकते हो तो 400 में भी आपका हो जाएगा, बट मैं 500 पकड़ लेता हूँ। मैं नॉर्मली एक फैमिली बजट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो 500 रुपया होगा तो 5 दिन का आपका 2500 हो जाएगा। अभी बात कर लेता हूँ फूड की, तो फूड का मैं पर डे 500 ही पकड़ता हूँ हर जगह पे, क्योंकि 500 के आसपास फूड हो ही जाता है सब जगह पे, तो 5 दिन का आपका 2500 होएगा, तो उस हिसाब से आपका हो गया 4 से 2 6500। अब बात करते हैं आपका ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होएगा, तो ट्रांसपोर्ट का आपका जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस आप यूज़ करो, बस सबसे सस्ती है, आपका सबसे कम खर्चा होएगा, वही बेस्ट है आपके लिए। तो पहले दिन तो आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, मणिकरण बगल में ही है, 10 रुपया लगता है बस से जाने को। सेकेंड डे आपका तोश जाना है, तोश आपको जाना है बस से, तो उसका कुछ 100 रुपीज़ है, ऊपर आप ट्रैक करके जाओगे तो 200 रुपया। तो मेरे हिसाब से बजट आपका जो 300 होएगा खीरगंगा के लिए, आपको आने जाने के लिए आपको कुछ लगेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से बजट जो आप होगा ना आपका, वो मोस्टली बिजली महादेव जाने के लिए आपका हो सकता है। अगर आप मनाला जाते हो तो मनाला भी आप बस से जा सकते हो, फिर वहाँ से आप ट्रैक करके जाना पड़ेगा आपको। अगर आप बिजली महादेव जा रहे हो तो उसके लिए आपको स्कूटी बुक करना पड़ेगा, अगर आप देखे एक या दो लोग हो तो उस हिसाब से मैं स्कूटी का 500 रुपया पकड़ लेता हूँ, क्योंकि 700 से 800 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाएगी, और पेट्रोल का 250-300 पकड़ लेता हूँ, तो 500 हो और तोश आने का जाने का वो 500-600। मेरे हिसाब से आपका मैक्स टू मैक्स आपका 1400 से 1200 में आपका खर्चा होएगा, तो मेरे हिसाब से आपका 7500 तक खर्चा होएगा 5 दिन का, दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू कसोल, कसोल टू दिल्ली में। तो अगर आपको और भी कोई इंडिया में ऐसी प्लेस हो जहाँ पे आपका टूर प्लान बजट चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका भी मैं आपको टूर प्लान बजट बता दूंगा अच्छे से। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो पता ना क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नए वीडियो में, एक नए लोकेशन के साथ, एक नए टूर प्लान के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।